कम्युनिकेशन स्किल्स विद फार्मा बॉय के अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वोकैबुलरी के बारे में। इसका मतलब है शब्दों का पिटारा। तो आखिर ये शब्दों का पिटारा हमारे पास होना क्यों जरूरी है? तो देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको जब आप किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं तो आपको आपके बोलने में कुछ ऐसे हेवी वर्ड्स यूज करना जरूरी है ताकि आपका इम्पैक्ट सामने वाले पर अच्छा जाए। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम बेसिकली इंग्लिश के बारे में बात करें तो जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको कुछ हेवी वर्ड्स अपने कम्युनिकेशन में यूज करने चाहिए क्योंकि उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पर्सन पर। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो कि मैं आपसे बात करते करते मैंने एक वर्ड का यूज किया फैबुलस या फिर माइंड ब्लोइंग, मतलब आप सुन रहे हैं, सुनने से ही ये रहीज वर्ड लगते हैं। तो ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड आपको आपके लैंग्वेज में, मतलब आपके बोलते वक्त अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपके बोलने का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो इसी तरह से आपको आपकी वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। देखा, डाइवर्सिफाई, ऐसे ही अलग अलग वर्ड्स आपको सीखने चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि आप आपकी वोकैबुलरी, मतलब आपके शब्दों का पिटारा आखिर बढ़ाएंगे कैसे? तो उसके लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। पहली चीज कि आप रीडिंग कीजिए, और रीडिंग के यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी मैथ्स की बुक पढ़ो, आपकी साइंस की बुक पढ़ो, आपको कुछ दूसरी बुक्स रीड करनी चाहिए। उसके लिए भी मैं आपको दो बुक्स रिकमेंड करना चाहूंगा। तो ये दो बुक्स है जिन्हें आप रीड कर सकते हैं अगर आप आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो पहली बुक है यू कैन विन बाय शिव खेरा, और इसे रिकमेंड करने का रीजन ये है कि इसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप एक बिगिनर है तो इस बुक को आपको जरूर रीड करना चाहिए, आपके इंग्लिश इम्प्रूव करने में ये आपकी काफी मदद कर सकते। देन दूसरी बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो ऐसे कुछ बुक्स आप रीड कर सकते हैं और इसकी वजह से आपकी वोकैबुलरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव होगी और आपकी इंग्लिश भी साथ ही साथ में इम्प्रूव हो जाएगी। देन रीडिंग करने के बाद और एक दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं अगर आपको आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है वो है लिसनिंग। अब लिसनिंग के मामले में मेरा तो सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन रहेगा, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एकदम कॉमनली बहुत ही फेमस अगर पॉडकास्ट जो है वो है रणवीर अलाहाबादिया, तो उनका पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। वहां पर काफी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड डिस्कशन होते हैं, तो इंग्लिश का चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपकी वोकैबुलरी में अलग अलग वर्ड्स इंक्लूड होंगे और फिर उसे आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ दो पॉइंट्स थे जो कि है रीडिंग एंड लिसनिंग। ये दो पॉइंट अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो होपफुली आपकी जो इंग्लिश है वो जरूर इंप्रूव होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फॉर माय बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।